उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इन 14 प्रोडक्ट्स के बनाने और बेचने पर बैन लगा दिया है। ये वो दवाएं हैं जिनमें 100% इलाज का दावा किया जा रहा था। उत्तराखंड सरकार के आदेश में कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है। जिन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस बैन किए गए हैं वो खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, गोइटर और आई ड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स के नाम हैं स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेव, ब्रोकोम, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रेट, मधु ग्रेट, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिन्हें बैन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में इन प्रोडक्ट्स को लेकर पतंजलि के दावों पर सवाल उठाए थे और इनके बारे में दिए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों पर बाबा रामदेव और बालकृष्ण को जमकर लताड़ा था। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाइसेंस सस्पेंड करने का ऐलान किया है। क्या अब तक उत्तराखंड सरकार सो रही थी? पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स को लेकर क्यों इतना बवाल मचा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष पार्थिव सांघवी, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं डॉक्टर विनीत मिश्रा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड चैनल हेड संदीप कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। पतंजलि के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी कई बार फटकार लगाई और अब राज्य सरकार ने भी कई प्रोडक्ट्स बैन कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहिए, एक बार पूरा मामला समझा दीजिए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, और दूसरे कितने प्रोडक्ट्स बैन किए गए और अब क्या ये पूरी इंडिया में बैन कर दिए गए हैं? देखिए, जो ये पूरा मामला है, ये एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद आप इसको कह सकते हो। एलोपैथ के बारे में भ्रामक बातें पतंजलि की ओर से, बाबा रामदेव की ओर से कही गई थी आईएमए, उसके बाद कोर्ट चला गया और कोर्ट में ये सारे मामले हुए और ये पाया गया कि जो बातें बाबा रामदेव या पतंजलि की तरफ से कही गई हैं वो ठीक नहीं हैं, गलत बातें की गई हैं आईएमए की एलोपैथ को लेकर बेसिकली। तो उस पर फटकार लगी और उसके बाद इन्हें माफ़ी मांगना पड़ा, 5 बार व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ा बाबा रामदेव और बालकृष्ण को। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अखबारों में, सारे अखबारों में एड्स छपवाए हैं और उस एड्स में इन्होंने माफ़ी मांगी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो आधे घंटे एक घंटे पहले सुनवाई हुई, आज फिर सुनवाई थी इस पूरे मामले की, तो जो अखबार में विज्ञापन छापे गए थे उसके बाद आज हियरिंग हुई थी। बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही अपीयर हुए थे कोर्ट में, और जो कोर्ट में रामदेव के कौंसिल थे उन्होंने, मुकुल रोहतगी, उन्होंने सारी विस्तार से बातें बताई और प्लस वो कटिंग्स दिखाए जो कि अखबारों में छापा गया था। कोर्ट इससे थोड़ा सहमत हुआ, हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई, लेकिन कुल मिला के आज की हियरिंग में ये रहा कि कोर्ट संतुष्ट दिखा है इस मामले में। और रामदेव और बालकृष्ण की ओर से कोर्ट से ये मांग की गई थी कि उन्हें पेशी से छूट दी जाए, तो अगली पेशी से सिर्फ छूट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो भी हियरिंग होगी उसमें इन दोनों को फिर से आना पड़ेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मुख्तार जी मैं बताऊँ कि पिछले दिनों जब पिछली हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से भी कहा था कि आपने उन डॉक्टरों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जो कि जेनरिक दवाइयां ना लिख के महंगी दवाइयां मरीजों को लिखते हैं जी, क्या आपने कोई कार्रवाई की है, कोई है आपके पास डाटा? तो उस मामले को लेके आईएमए के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कोर्ट की उस बातों को उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया है। इस ये मसला मुकुल रोहतगी ने आज फिर से कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए के अध्यक्ष जो हैं जिनको जो इंटरव्यू है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने को कहा, यानी कि आईएमए के अध्यक्ष का वो जो इंटरव्यू है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अनर्गल बातें की हैं, टिप्पणी की हैं, उसको भी रिकॉर्ड पे लिया गया है और आगे की कार्रवाई हो सकती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने पूछा कि 14 जो दवाइयां हैं क्या पूरे देश में, तो जी हां, पूरे देश में ये बैन हो गई हैं, इनके प्रोडक्शन पे और इनकी बिक्री पे रोक लगा दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद। ये सारी कार्रवाई हुई, इतने साल से पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की दवाइयां बिक रही थी और सरकार की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, अब उन्हें डर था तो कार्रवाई हुई है। संदीप जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही बताया कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया है, किसी भी तरह से वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब थोड़ा बहुत संतोष हुआ है रामदेव बाबा ने जो भी बातें बताई हैं और आपने कहा जो थोड़ी बहुत ढील देने की बात की, वरना सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराजगी जताई और लगातार ये कह रहे थे कि ये गलत है और अब जाके राज्य सरकार जागी और दिव्य फार्मेसी की कुछ दवाओं को बैन किया गया है।
हम पार्थिव जी के पास चलते हैं। पार्थिव जी, सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए को भी फटकार लगाई और सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा है कि आपको भी अपना सिस्टम सुधारना होगा, आपका भी उतना ही दायित्व बनता है और आपको भी उतनी निगरानी रखनी पड़ेगी। पहले तो थैंक यू और नमस्कार आपके चैनल पे मुझे आमंत्रण करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है इस पूरे केस में, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दो बेंच जज ने दी है, जिसके वजह से फिजिकल प्रेजेंस रामदेव जी और बालकृष्ण जी की हुई, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। इसमें आईएमए का कोई लेना देना नहीं है, ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है कि जब रिस्ट्रेंट मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, पतंजलि के ऊपर रिस्ट्रेंट किया गया था कि आप ऐसे भाषण ना दे, उसके बावजूद एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरी तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवगणना की है, अवमानना की है। तो इसमें आईएमए का कोई लेना देना नहीं है ये जो चल रहा है उसमें। हमारा केस तो खत्म हो गया था और कोर्ट ने भी उसको मान्य रखा था कि ये जो कमेंट्स थी वो देवर इन बैड टेस्ट और ये होनी नहीं चाहिए थी। तो दैट वॉज नंबर वन। यानी कि मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जब भी अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें आईएमए का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इट इज डायरेक्टली बिटवीन द कोर्ट और पतंजलि। दूसरी बात, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं इसमें मुझे एक ही बोलना है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक नॉन गवर्नमेंटल यानी कि एनजीओ है। हमारे ये एशिया भर में सबसे बड़ा डॉक्टर्स का एनजीओ है। यहाँ करीबन 4 लाख इंडिया के डॉक्टर्स मेंबर्स है और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी मेंबरशिप के लिए जो लगता है वो एमबीबीएस है, यानी कि एमबीबीएस एंड अबव जो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट है ये इनके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन ये कहने के बाद इसके दो चीज, दो पहलू मैं बताना चाहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं कि वी रिप्रेजेंट द एंटायर एलोपैथिक कम्युनिटी बिकॉज इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर मैं इसका मेंबर बना हूं तो मुझ पे कोई कंपल्शन नहीं है। वैसे ही 12 लाख से ज्यादा की तादाद के एमबीबीएस डॉक्टर्स पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें से सिर्फ 4 लाख मेंबर्स है, तो सभी मेंबर्स भी नहीं है। और तीसरी बात, जेनेरिक ड्रग्स में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बार बार ये मुद्दा क्यों कोर्ट उठाती है, जब पिछले साल अगर आपने देखा गया होगा तो पिछले साल भी यही मुद्दा आया था रिगार्डिंग जेनेरिक मेडिसिन्स। हम तो पहले से ही कहते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन्स को आप इसको प्रमोट कीजिए। और आप मानेंगे नहीं, नई दिल्ली में हमारा जो मेन हेडक्वार्टर्स का ऑफिस है वहां बिल्डिंग में हमारे पास एक जन औषधि केंद्र है जो नरेंद्र मोदी जी ने जिसको प्रोपगेट किया है, वो जन औषधि केंद्र से हमारे यहाँ आई है। तो जेनेरिक मेडिसिन का हम खुद वी आर प्रोपगेटिंग इट, लेकिन वो कहते हमको यही बताना है कि उसकी जो ग्रेडिंग है यानी कि जो जेनेरिक ड्रग्स है उसकी जांच हो और उसकी कैसे कितनी सफल है वो मेडिसिन अगेंस्ट ब्रांडेड मेडिसिन, इसका पूरी जनता को इसका आप परचा कीजिए। और देर शुड बी नो डिस्क्रिपेंसी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बिटवीन ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन। हम तो पहले से ही, हमारा नारा एक ही है, पिछले 7 साल से हम बताना चाहते हैं, वन कंट्री वन कंपनी वन ड्रग एंड वन प्राइस। यानी कि एक पैरासिटामोल ड्रग अगर कोई कंपनी बनाती है तो उसका ब्रांडेड वर्जन हो, उसका जेनेरिक वर्जन हो, उसका एक ही कीमत होनी चाहिए। हम तो इसको प्रमोट करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स को सस्ती और अच्छी दवाई मिले, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चेक होनी चाहिए। आज इसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए पूरी मशीनरी नहीं है गवर्नमेंट के पास। एंड लास्ट, लेकिन सवाल ये है,
सवाल ये कि कैसे होगा, आप जो बातें कह रहे हैं वाजिब है, आप ये कह रहे हैं कि आप पूरी फ्रिटर्निटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये भी बात है कि आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और आज ये शायद उसी का नतीजा है कि आज यहां तक ये बात पहुंची है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए कड़ा रुख अपनाया है। दूसरी बात ये भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने IMA को भी फटकार लगाई है, आप जैसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी का, अगर हर आदमी ये कह के हट जाए कि भाई हम ये पूरी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, आप बिल्कुल वाजिब बात करें, क्योंकि हमेशा एलोपैथी और आयुर्वेदा में तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है। तो जाहिर सी बात है 400 आपके मेंबर, आप कह रहे हो सिर्फ 4000 मेंबर हैं हमारे IMA के, तो उन 4000 मेंबर्स में क्या आपने आइडेंटिफाई किया, कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाई जो कोर्ट ने भी मांगा है कि आप हमें रिपोर्ट दिए कि आपने कितनी कार्रवाई की या आपने क्या पहल की, वो आपके पास कुछ है? अगर 12000 को आप पूरे देश के डॉक्टर्स को नहीं अगर आप वो करते हो और सिर्फ 4 को ही आप कर रहे हैं, तो उन 4000 में क्या आपने क्या एफर्ट किया, ये आप बताने की स्थिति में है क्या? देखिए पहले आपके आंकड़े जरा सुझा दीजिए, आपके आंकड़े जो आपने जो आंकड़े दिए हैं मेंबर पे, जी आपने जो आंकड़े दिए, बिल्कुल अभी मुझे आप मुझे बोलने के मौका दीजिए, बिल्कुल बोलिए। 4 लाख है हमारे मेंबर, यस, और पूरे भारतवर्ष में 12 लाख से अधिक है, इसमें 70% जो डॉक्टर्स है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में है, 30% जो है वो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन बॉडीज में नौकरी करते हैं। आज आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल कि आप हरेक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी के जो वकील है उनकी फीस एक ही रहेगी? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। वैसे ही हम तो चाहते हैं कि जेनेरिक ड्रग्स को बढ़ावा मिले, जेनेरिक ड्रग्स को रिकग्निशन मिले, लेकिन जब गुणवत्ता की बात आती है तो मैं खुद सिर्फ जेनेरिक ड्रग्स पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना है, हमारी मीटिंग्स हुई है पिछले साल डॉक्टर मंडाविया के साथ जो हेल्थ मिनिस्टर है, और उन्होंने फार्मा कंपनीज के रिप्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने ये चीज रिट्रैक्ट की कि हमने तो कहा था कि आप जाके हरेक के प्लांट्स में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपके हाथ में है, FDA आपके हाथ में है, तो आप जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है मेडिसिन का, आप वहां आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स रखिए, आप ड्रग इंस्पेक्टर्स रखिए जिससे जांच हो सके। ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने ये काम किया है, अगर नहीं किया है तो हम किस, आज कितनी बार हम देखते हैं कि कई कई कंपनियों के अगर हम दवाई लिखते हैं तो पेशेंट को जिसकी उतनी असर होनी चाहिए, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, वो आता ही नहीं है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता में प्रॉब्लम है। आज गुणवत्ता चेक करना हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, FDA का काम है। FDA किसके लिए है? FSSAI नाम का बॉडी है, दैट ऑल्सो चेक्स। आज आप हमारी बात कर रहे हैं, आज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पतंजलि की कौन सी मेडिसिन को चेक की थी? आज इतनी फटकार लगाने के बाद अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट को इनकी 14 मेडिसिन को बैन करना पड़ता है, तो उसके ऊपर तो रामदेव जी ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए कि ये तो बीपी का, चलिए पार्थिव जी, पार्थिव जी आपके हिसाब से ये पूरा सिस्टमिक फेलियर है, राइट? आपके हिसाब से ये सिस्टमिक फेलियर है, जो सिस्टम नहीं सुधर रहा है, इसलिए आज हम ये फेस कर रहे हैं। हमारे साथ विनीत जी हैं, सबसे पहले जरा थोड़ा सा इन दवाओं के बारे में समझते हैं। विनीत जी, आपने भी देखा कौन कौन सी दवाएं बैन की गई हैं रामदेव बाबा की, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे क्यों बैन की गई है, क्या है इसमें? मैडम, ये जो दवाएं पतंजलि की बैन की गई हैं, ये निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार हरकत में आई और राज्य सरकार ने, मुझे लगता है थोड़ा आपाधापी रही सरकार को, और जल्दबाजी में जो निर्णय लिया सरकार ने, और इतना बहुत जल्दबाजी में 14 दवाएं जो बैन की गई हैं आयुर्वेद की, और इस पर सरकार बहुत जल्दबाजी में रही और जल्दबाजी में ही उसका निर्णय लिया गया। जल्दबाजी कह रहे हैं विनीत जी इसे, आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है कदम उठाने में? मैडम, 2000 करोड़ रुपए की अगर डोलो बिक सकती है जब कोरोना काल था, तो मैं तो बड़े आदर और बड़े सम्मान से सर से पूछना चाहता हूं कि सर, 2000 करोड़ रुपए की अगर डोलो उस समय बेची जा सकती है और इतना ये मुद्दा प्रमुखता के साथ जब बाजार में उछलता है, तब आप लोग कहाँ थे? और आज 14, आज बाबा रामदेव की याद आ रही है, क्योंकि बाबा रामदेव ने इन लोगों का तंबू और कनात उखाड़ने का बीड़ा उठा लिया था कि अब ये लोग बाजार में टिक नहीं पा रहे हैं।
देखिए इतनी घिनौनी इतना घिनौना कृत्य नहीं करना चाहिए। राजनीति आपकी तरह से किसी पर विनीत जी, आप विनीत जी अगर आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो आपकी दवाएं भी रामदेव बाबा की दवाएं भी ये क्लेम करती थी कि 100% गारंटी है इससे, अगर आप ये खाते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है ये? मैडम ये सब प्रमाणिक थी दवाएं। अगर हमने कहा कि गिलोय आपको लेना है तो गिलोय के अंदर प्रमाणिकता के तौर पर वो सारे कंटेंट्स थे, एंटीऑक्सीडेंट्स थे जिनकी जरूरत उस समय की नहीं है। बात सिर्फ गिलोय की नहीं है, ये तो अलग चीजें हैं, लेकिन कोरोना के लिए भी स्पेसिफिक दवा थी, तो उसके लिए आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि 100% गारंटी अगर आप ये ले रहे हैं तो आप ठीक हो जाएंगे? हमने कहा कि इन दवाओं को लेने से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर वो दवाएं समाज में दी जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। हम कोई दावा नहीं कर रहे थे कि ये कोरोना ठीक कर रहे हैं। कोरोनिल की बात कर रही हूं दरअसल। कोरोनिल की बात कर रही हैं, तो कोरोनिल में साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आप कोरोनिल ले रहे हैं, यू आर टेकिंग कोरोनिल, तो इससे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हो रही है। हम कोई दावा नहीं कर रहे थे इस बात का कि हम कोरोना ठीक कर देंगे कोरोनिल से। नहीं, लेकिन खैर चलिए आपकी इस पे अगले सवाल पे आएंगे, लेकिन उसके पहले पार्थिव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए पार्थिव जी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं अगर आपने कोरोना के लॉन्च के टाइम के अगर वीडियो देखे होंगे तो रामदेव बाबा जी ने बहुत क्लियर क्लेम किया है कि ये कोरोना पे रामबाण इलाज है। दीज आर हिज वर्ड्स, आई एम कोटिंग हिम इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कोट कर रहा हूं कि ये कोरोना का है इलाज, हमने ये ट्राई किया, टेस्टेड किया। और इतना ही नहीं, उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और उस नितिन गडकरी जी साथ में उन्होंने ये दवाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि ये इलाज है कोरोना के लिए, बाकी सब बकवास है। और उन्होंने तो इतने हद तक गए थे कि एलोपैथी जैसा कोई दिवालिया साइंस नहीं है, आप जाइए, दीज आर द वेरी वर्ड, ये उनके शब्द है कि एलोपैथी जैसा कोई दिवालिया साइंस नहीं है। दूसरी बात, हम कभी किसी भी पैथी या होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, हम किसी की बुराई नहीं करते। इनफैक्ट हम गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि एवरी पैथी को रिसर्च की प्रॉपर उनको मौका मिलना चाहिए और रिसर्च हम एनकरेज करते हैं। लेकिन ये जब से ये कोरोना की दवाई कोरोनिल आई है और बाकी सब इनकी दवाई आई है, अनफॉर्चुनेटली, और डॉक्टर साहब भी वही दिखा रहे हैं कि आयुर्वेद इज इक्वल टू पतंजलि और पतंजलि इज इक्वल टू आयुर्वेद। आयुर्वेद लेकिन सवाल ये है पार्थिव जी कि ये, चलिए ये बात हम पतंजलि की कर रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत ही रैम्पेंट हो गया। आपको नहीं लगता कि ये बाबा रामदेव के अलावा भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये क्लेम करते हैं, टॉल क्लेम्स करते हैं कि आप ये दवा खाएंगे तो आप 100% ठीक हो जाएंगे, तो उन पे भी तो हमको रोक लगाने की जरूरत है। उस पे कैसे रोक लगाएंगे? इसमें वापस रुई में बोल रहा हूं कि सिस्टम फेलियर है। जब भी कोई दवाई अगर FDA के पास जाती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और हर एक स्टेट में FDA है। तो मुझे यही आज उत्तराखंड गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद उनको यह मालूम पड़ा कि ये दवाई बराबर नहीं है, या ये जो टॉल क्लेम्स करते हैं आपकी भाषा में कि ये BP को हटा देगी, डायबिटीज को हटा देगी, वो आज आपको मालूम पड़ा गवर्नमेंट को कि ये सही नहीं है। आज इतने साल से चल रही है, लोग खा रहे हैं, और मुझे खाने में कोई परहेज नहीं है मैडम, लेकिन मेरा यही मानना है कि ये सब पेशेंट्स जब आते हैं तब उन्होंने गाइडलाइंस फॉलो किए हैं और उनकी जो एलोपैथी की दवाई चालू है उसको बंद की है। और ये पेशेंट्स आते हैं हमारे OPDs में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिटिक स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, और पैरों में गैंग्रीन, आंखों में अंधापन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस। क्यों? क्योंकि रामदेव जी ने बोला है कि ये सब एलोपैथी बंद करो, कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ ये हमारी दवाई है खाई। पार्थिव जी सवाल ये है ना, इसका ये विरोध जो है ये कैसे खत्म होगा? ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। अब सवाल ये है, आप एलोपैथी वाले कहते हैं कि आप आयुर्वेदिक दवाएं बंद करो, ये फायदेमंद नहीं है, वो कहते हैं कि, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें भी ठीक होकर आते हैं, तो वो एक विश्वास बढ़ता जाता है, और शायद आप इसे विश्वास, अंधविश्वास जो भी कहिए, तो लोग विश्वास के साथ दवाएं खाते हैं। आखिर कैसे इसे रोका जाए, इसे लॉजिकली कैसे रोका जाए? ये तो वही बात हो गई कि फॉर और अगेंस्ट बैठ के हम सिर्फ डिबेट करेंगे, लेकिन इसे लॉजिकली कैसे रोका जाए, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए?
इसमें कोई फॉर और अगेंस्ट नहीं है मैडम। आज अगर हम मैं मेरे क्लिनिक में से एक पैरासिटामोल का प्रिस्क्रिप्शन देता हूं जो दवाई है सूजन कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए, तो उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। हमें कुछ हाइड नहीं करना है, वी आर अ ट्रांसपेरेंट साइंस, रिसर्च बेस्ड साइंस, और आप इसके हजारों करोड़ों रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। तो हमारी हर एक दवाई जब मार्केट में आती है तो इट कम्स टू थ्री फेजेस ऑफ ट्रायल्स। लास्ट का फेज रहता है ह्यूमन ट्रायल्स, उसके बाद जाती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर FDA के पास जाती है, DGCI के कंट्रोल में दवाई रहती है मैडम। ये पूरी एक प्रक्रिया है, और जो DGCI सांगवी साहब जो कह रहे हैं, आप लोग कोई प्रिस्क्रिप्शन तो देते नहीं है, आप तो बताते नहीं कि दवा क्या है, बस एक दे दिया ये खाना है और लोग भरोसे के साथ खाते हैं। कईयों को फायदा हो जाता है, कईयों को नहीं भी होता है। क्यों नहीं आप लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्यों नहीं आप बताते ये खाने से? देखिए मेरा ये कहना है कि आयुर्वेद एलोपैथ की अगर छोड़ दें तो आयुर्वेद हमारे देश में लंबे समय से चला रहा है बिल्कुल। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ है इससे उसके परसेप्शन खराब हुए हैं आयुर्वेद को लेके, और लोगों में अविश्वास की भावना पैदा होगी। तो क्या वजह है कि ऐसे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनको बैन नहीं किया जा रहा है? तो ये एक फेलियर है जिसपे सरकार को, IMA को, आयुर्वेद को, सबको ज्वाइंट एफर्ट करना। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि देखिये ये लड़ाई तो सालों से चली आ रही है। आयुर्वेद अभी काफी पुरानी पद्धति है जो देश में चली आ रही है, कोई नया नहीं है कि आज आए और बाबा रामदेव उसमें अकेले हैं। तो ये लेकिन ये आयुर्वेद और एलोपैथ की जो लड़ाई है, लेकिन हम इसको लॉजिकली अब कैसे सॉल्व करें, कैसे हम ऐसा करें कि लोगों को उससे नुकसान हो? जैसे कि अभी जो दवाएं बैन हुई है आंख से लेके किडनी, लिवर, ब्लड प्रेशर, हर तरह की दवाएं जो आम आदमी का, दूसरा किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखा है ये ब्लड प्रेशर के लिए, मुझे उसकी जरूरत है कि नहीं? डॉक्टर विनीत, मेरा सवाल आपसे यही है कि मुझे पता है कि मुझे BP की प्रॉब्लम है, आपने एक दवा दे दी, क्या जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसको कम दिक्कत है, हर आदमी वही दवा खाता है और सबके लिए वही फायदेमंद होगी, ये कैसे? अगर आप किसी बीमारी में जा रहे हैं और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत कुछ चीजें हैं जो बहुत क्लियर कट आपको बहुत साफ साफ बता देते हैं। अगर किसी पेशेंट की, मान लीजिए सपोज दैट की ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है और शुगर की दवाएं चल रही हैं, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप वो दवाओं को बंद कर दीजिए। हम अपने, अगर हमारी वो दवाएं जो कि अगर बीटा सेल्स को प्रमोट कर रही हैं इंसुलिन के लिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर ये हम दवाएं जो हमारी सप्लीमेंट्री के तौर पर जो हम दवाएं दे रहे हैं, अगर वो बीटा सेल्स पर एक्शन कर रही हैं तो, और इनका थोड़ा बहुत फायदा उसमें हो सकता है, तो धीरे धीरे मैंने देखा है कि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो शुगर के पेशेंट अगर ले रहा है पैरलर उसके, तो धीरे धीरे इनकी जो दवाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हमारी बात को गलत देखिए सर, हम आयुर्वेद और एलोपैथ पे चर्चा नहीं किया। आयुर्वेद भी एक सर्टिफाइड चीज है जो एंशियंट काल से चलती आ रही है, उसको हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि बाबा रामदेव ने ये जो 14 दवाइयां लिखी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ये मेरी दवा खाइए, आपको शुगर है तो आप ये दवा खाइए, आप आयुर्वेद आचार्य हो, क्या आप रामदेव की दवा को प्रिस्क्राइब करते हो? देखिए रामदेव जी की जो दवाएं जो ऑथेंटिक है, मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने अगर 200 दवाएं बनाई हैं तो मैं भी कहूंगा कि नहीं वो नहीं, नहीं। आप आयुर्वेद आचार्य हो, क्या आप प्रिस्क्राइब करते हो अपने पेशेंट्स को ये दवाइयां जो रामदेव जी बनाते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल ये है, जो दवाएं उनकी ऑथेंटिक है, जो दवाएं उनकी अच्छी है, वो मैं भी कहता हूं कि आपको उनको लेना चाहिए। जैसे तुलसी का अर्क है या कुछ दवाएं जो उन्होंने निकाली हैं, कुछ बहुत अच्छी दवाएं हैं उनकी, मैं नहीं कहता हूँ दवाइयां ही है ना, ये आप कह रहे हो कुछ ही दवाइयां है ना, कहना पड़ेगा बिना आप डॉक्टर से दिखाई ये दवाएं नहीं लेंगे, या सिर्फ ये कहना कि अगर जिसने भी ये दवा खाई उसको 100% आप ये दवा खाओ आपका ठीक हो जाएगा, आपको शुगर हो आप ये दवा खाओ ठीक हो, ये कौन सी पद्धति है? आयुर्वेद को कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन ये जो 14 दवाइयां जिसको बैन किया गया है, तो क्या ऐसी दवाइयां आप भी अपना, आप आयुर्वेद आचार्य हैं तो आप भी अपनी दवाइयां लिखते होंगे, आपकी रिसर्च होगी स्पेसिफिक होगी, लेकिन आप रामदेव की दवाइयां क्या लिखते हो? आप विनीत जी, चलिए सारी बातें अलग हैं, मैं आपसे एक, आप एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हैं, पार्थिव जी आपके पास आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी रामदेव बाबा पे बात हो रही है तो जिस तरह से वो भ्रामक विज्ञापन देते हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आप भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आपको नहीं लगता कि ये नहीं होना चाहिए? और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो फटकार लगाई है, वो सही है?
मैडम अगर विज्ञापन के आप मकर जाल में जाएंगे तो जितना भी आज विज्ञापन हो रहा है ना, जो चीजें हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप विज्ञापन की ही बात कर रहे हैं कि भ्रामक विज्ञापन ऐसे ना फैलाए जाएं, तो बाजार में आज हर चीज का तो विज्ञापन किया जा रहा है। एक पैरासिटामॉल की जो छोटी सी गोली है जिसने 200,000 करोड़ रुपए सिर्फ डॉक्टरों को खिला दिए, अब उस पे देश के अंदर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और आप केवल ये बात कह के कि 14 दवाइयों को बैन कर दिया जाए, प्रदेश सरकार ने बहुत जल्दी में अपना कुछ चीजें होती है अपना पीछे छुड़ाने के लिए फटाफट तुरंत बैन कर दिया गया उन चीजों को, क्या उनकी फिर से लैब टेस्टिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं नहीं कहता हूँ कि सब सही है दवाएं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति को इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? इतनी लोकल कंपनियां चल रही हैं इस देश के अंदर, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? बाबा रामदेव ने आज इतने 1,000 करोड़ रुपए का जो एक एम्पायर खड़ा कर दिया है, देश में ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में बाबा रामदेव की दवाएं आज पूरे निष्ठा और पूरे सम्मान के साथ लोग ले रहे हैं। अगर कहीं ऑथेंटिसिटी उनकी नहीं थी तो उनको दूसरे देश में जाते ही वो दवाएं बैन हो जानी चाहिए थी। पार्थिव जी, विनीत जी की बात आपने सुनी। अब आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं प्रचार में भ्रामकता का पैमाना भी तय करना होगा। अभी आप देखिए, आप तो ये इन दवाओं की बात करें, संदीप जी अगर आप गौर करिए, जिस तरह के एड्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते ही हम हवा में उड़ने लगते हैं, क्रीम लगा के हम गोरे हो जाते हैं, अचानक से एनर्जी ड्रिंक पी के हमारे अंदर चौगुनी शक्ति पैदा हो जाती है, तो ये सारी चीजें क्या आपको नहीं लगता कि इसके साथ साथ इन चीजों पर भी बैन लगना चाहिए? बताइए पार्थिव जी, आपसे ही सवाल है। मैडम, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको आयुर्वेदाचार्य को पैरासिटामोल दिखती है। पैरासिटामोल तो सालों से चल रही है, कभी बैन नहीं हुई, यानी कि कुछ तो तथ्य होगा। उससे हट के बात करते हैं, उससे हट के बात करते हैं, क्योंकि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए जी, बताइए। तो मुझे इसमें यही कहना है कि आज हम एलोपैथी में हरेक दवाई को डोज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से देते हैं। पतंजलि के स्टोर सभी जगह है, वहां कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, और अक्रॉस द टेबल आपको बीपी है, कितना है, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये लीजिए बीपी ग्रिड, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थोड़ी ना, इसको साइंस कहते हैं। और दूसरी बात, आप जो कंपेरिजन करते हैं कि भाई कोड भी कंपेरिजन करता है कि हेल्थ एनर्जी ड्रिंक्स है, जैसे बूस्ट है, बॉर्नविटा वगैरह है, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि पतंजलि आयुर्वेद एक फार्मा कंपनी है या एफएमसीजी। अगर एफएमसीजी की अर्थराइटिस के लिए, अर्थराइटिस के लिए दिखाते हैं, कितने सारे ब्रांड्स हैं जो दिखाते हैं अर्थराइटिस के लिए कि आप ये तेल लगाइए और अर्थराइटिस गायब हो जाएगा, ये दवा खाइए अर्थराइटिस गायब हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, तो आप वो एफएमसीजी की श्रेणी में है या फार्मा की श्रेणी में? अगर आप फार्मा की श्रेणी में है तो देर इज अ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1952, उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि आप ये जो बीमारी है उसकी दवाई की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। ये पहला उसूल है उसका, इसको ही तोड़ा है पतंजलि ने। आज की तारीख में इतनी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो ब्लड प्रेशर, अस्थमा, डायबिटीज की दवाई बनाती है, किसी ने उसका विज्ञापन किया है? आप मुझे बताइए। तो पहले ये नक्की कीजिए के पतंजलि एक फार्मा कंपनी है या एफएमसीजी। अगर फार्मा कंपनी है जैसे वो बताते हैं, तो उनके ऊपर ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू होता है, जिसके तहत हमने शिकायत की थी, जिसके तहत उनको चुप रहने के लिए बोला गया था और उसकी अवगणना की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और उसके वजह से आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि उनको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि दरअसल वो किस कैटेगरी में, एफएमसीजी या फार्मा की। विनीत जी, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल इस चीज को तो क्लियर कट होना चाहिए कि मतलब आप अगर फार्मा की दवाएं बना रहे हैं तो आपको उनके सारे नियमों का पालन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, जो मेडिसिन अगर आप बना रहे हैं, अगर वो तथ्यों पर, या समझ लीजिए कि अगर एनालिटिकली वो ठीक नहीं होगी, तो वैसी दवाइयों को तो बैन होना चाहिए और मार्केट में आनी भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा इस फेवर में रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ भी आप बाजार के अंदर बेचने लगिए, मैं तो
कभी नहीं, बस इस बात को नहीं कहता हूं, कुछ भी आप नहीं बेच सकते हो, यू आर नॉट ऑथराइज्ड कि आप जो चाहो बेच लो आयुर्वेद के नाम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन आप ये देखिए उत्तराखंड सरकार का इसमें आप रोल क्या देखते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ, अचानक से जैसे कोई नींद से उठा और आपने उठ के सीधा बैन कर दिया बिना इसकी गुणवत्ता को चेक कराए कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, और इसके पहले आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया था, तो क्यों? देखिए मुक्ता जी, ये हरिद्वार में सबको पता है कि पतंजलि वहां से शुरू हुई और बढ़ा पूरे देश में, वर्ल्ड में गया। ये सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की थी कि उनके यहाँ उनके स्टेट में ये दवाइयाँ जो बन रही हैं क्या ये अप टू दी मार्क हैं, क्या ये मानकों पे सही उतर रही हैं, इनके ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन आप बाबा का औरा देख सकते हो, कोई भी हाथ डालने से कतराएगा, साफ तौर पर अगर कहें तो रामदेव के ऊपर कोई भी ड्रग डिपार्टमेंट का अधिकारी या हेल्थ मिनिस्टर हाथ डालने से डरेगा। वो तो इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनसे पूछ लिया कि आपने क्या किया, क्यों नहीं आपको सस्पेंड किया जाए, तो अपनी साख खतरे में, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा है उसकी वजह से ये आनन फानन में दिक्कतें हुई हैं, ये आनन फानन में कार्रवाई हुई है, तो एक्शन तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के खिलाफ भी होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा पार्थिव जी ने कहा कि सबसे पहले तो उनको अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई आप हैं कौन, तो क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए फटकार लगा रही, सरकार को तो पहले इस पे एक्शन लेना चाहिए था। तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि सिस्टमिक फेलियर है, ये एक आदमी की गलती नहीं है, बात ये नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, सिस्टम बनना चाहिए, एक चीज है ये सीधे तौर पे आदमी के हेल्थ को इफेक्ट करती है, ये हर आदमी के कहने पे हम कोई दवाइयां नहीं खा सकते जबकि वो जब तक कि वो एक्सपर्ट ना हो, डॉक्टर्स ना हो, आयुर्वेदाचार्य ना हो, लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तो चलिए अब क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, पार्थिव जी आपसे और विनीत जी आपसे दोनों से बस संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि आखिर इससे लड़ने का क्या तरीका है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक आप क्या कहेंगे इससे कैसे लड़ा जा सकता है, क्या तरीका है? अब पहले तो DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, सेकंड FDA, हर एक स्टेट की FDA, इन दोनों संस्थाओं को मजबूत करना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर्स की तादाद जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, और हर एक दवाई जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से बाहर निकलती है उसकी गुणवत्ता का हिसाब इन इंस्पेक्टरों को लगाना है, उसके पहले उसको मार्केट में आने देना नहीं है। अगर इतना भी हम कर ले तो मेरे हिसाब से फिर वो आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। विनीत जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं पार्थिव जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ इस मुद्दे को लेके। जैसा कि उन्होंने बताया है कि ड्रग की जो प्योरिटी है, जिस हिसाब से कि अगर उसमें लिखा है कि इस ड्रग की ये इसमें मतलब कंटेंट्स हैं, वो पूरे के पूरे होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। हमको जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सरकारों की बनती है। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो ये जो बाजार के अंदर आज आप आयुर्वेद का मतलब समझ रहे क्या है, आयुर्वेद को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, सड़क के किनारे जो तंबू डाल के बैठे हुए लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि फला जड़ी बूटी के साथ हम इस मर्ज का इलाज कर रहे हैं, इस चीज का इलाज कर रहे हैं। आज लोगों के दिमाग में आयुर्वेद की वही स्थिति है, इससे ज्यादा कोई स्थिति नहीं है। क्या इनको नहीं रोकना चाहिए? सरकार इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन करती है? चलिए तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संदीप जी देखिए, एक बात तो क्लियर है, सिस्टम सरकार अपनी जगह है, लेकिन हम लोग जो उपभोक्ता हैं, हम जो उसे यूज़ करने वाले, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को देख के, इस तरह के टॉल क्लेम्स को देख कर उस पर आँखें बूंद कर भरोसा ना कर लें, बल्कि उसे यूज़ करने के पहले उसकी गुणवत्ता को जाँचें परखें और तब उसका इस्तेमाल करें।
बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात मुख्य है, जैसा कि इन दोनों एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, तब तक ये चीजें सुधर नहीं सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार को एक पूरी मशीनरी है, या तो आप सेंटर की बोले या स्टेट की बोले, पूरी मशीनरी है और उस मशीनरी को चेक रखना पड़ेगा। उनका यही काम है भाई कि आप ड्रग कंट्रोलर हो तो आपके स्टेट में जो ड्रग्स बन रहे हैं, दवाइयां बन रही है, उसको उसका क्वालिटी कंट्रोल आप चेक करो। तीसरी बात कि इस तरह के भ्रामक जो विज्ञापन है इनको रोकना ही पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो हम आप तो पढ़े लिखे हैं, ऐसा बहुत बड़ा तबका है इस देश में जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, और बाबा रामदेव या किसी फलाने आदमी को देखे जो कि बड़ा ऑरा रखता हो, बड़ा फेस हो, वो कहे कि आप ये दवाई खाएं तो वो मानते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। चलिए तो फिलहाल के शो में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।